एक फोटो से कैसे आप शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं और वह कौन सा मंत्र है जिससे आप किसी को भी अपनी शक्ति के द्वारा वशीभूत कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्त जनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, और वह जो शक्तियाँ हैं आपको मंत्रों के द्वारा भी प्राप्त होती हैं, आपको उपाय करने के बाद, टोटके करने के बाद उन शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। और जो साधक मंत्रों का अनुष्ठान करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद जब वह किसी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उसके बाद वह जो मंत्र है उससे आप वशीकरण करने वाला तावीज भी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद आप वशीकरण करने वाली सामग्री भी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद आप वशीकरण करने वाली कोई भी लौंग, इलायची, मिश्री किसी को खिलाकर भी आप किसी को वश में कर सकते हैं, और इत्र के ऊपर भी आप उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, धागा सूत्र के ऊपर भी उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आप किसी को वश में कर सकते हैं। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, आप अपने आकर्षण में ले सकते हैं, उसको आप पूर्ण रूप से अपने बंधन में, प्यार के बंधन में आप बांध सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। और यह जो सम्मोहन विद्या है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसको यह जो शक्ति है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए आपको सामने वाले व्यक्ति की फोटो की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप वशीकरण शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। और लाखों का अजमाया हुआ ये मंत्र है, इसकी विधि है, लेकिन इसका जो प्रयोग है अगर आप सही कार्य के अनुसार करेंगे, जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको इसकी जो शक्ति है उसकी प्राप्ति होगी। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले वह मैं आपको बता दूं। इसके लिए एक आपको व्यक्ति की छोटी सी फोटो चाहिए, एक छोटी सी फोटो, और उसके बाद आपको एक माटी का दिया, माटी का एक चिराग आपको चाहिए, और लाल वाला थोड़ा सा आपको इसके लिए चाहिए सिंदूर। एक देखो ये फोटो हो गई, और उसके बाद एक माटी का दिया, और दिए में डालने के लिए आपको चाहिए चमेली का तेल, एक चमेली का आपको तेल चाहिए। और यह जो वशीकरण शक्ति है इसका जो प्रयोग है आप अपने घर में ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के बने मंदिर में भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। अपने प्यार को प्यार के बंधन में बांधने के लिए आप इस शक्ति का प्रयोग कर देखें, इस मंत्र का उच्चारण कर देखें इस फोटो के ऊपर, तो वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा। कहीं पर भी वह व्यक्ति होगा तो आपसे मिलने के लिए उसके दिल में तड़फ पैदा हो जाएगी। ऐसा यह मंत्र है फोटो के द्वारा वशीकरण। तो उसके बाद आपने वह जो दिया है उसमें चमेली का तेल डाल देना है। चमेली का तेल डाल देने के बाद उसके बाद उसमें जो आप लाल वाला सिंदूर लेकर आए हैं, उसी तेल में आपने उस एक चुटकी सिंदूर की आपने डाल देनी है। और उसके बाद यह जो विधि है इसका जो आपने प्रयोग करना है रविवार वाले दिन, केवल रविवार वाले दिन ही आपने इस विधि का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने वह जो फोटो है, फोटो किसी नीचे स्थान के ऊपर रख दें, लेकिन पहले उस स्थान को आप
शुद्ध कर लें, या किसी प्लेट वगैरह में भी आप उस फोटो को रख सकते हैं। उस फोटो के ऊपर आपने इस दिए को रख देना है जिसमें चमेली का तेल आपने डाला है और यह जो लाल वाला सिंदूर आपने डाला है, और यह जो प्रयोग है रात्रि के समय आपने इस दिए को रोशन करना है अंधेरी रात में, और आपको दिया रोशन करते हुए कोई देखे ना जब आपने इस विधि का प्रयोग करना है। और दिया रोशन करने के बाद फिर उस स्थान के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने नहीं जाना जितनी देर वह दिया रोशन है। आप बैठ सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की छाया उस चिराग के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, वरना जो आपका जो प्रयोग है ये नष्ट हो जाएगा। तो आप अकेले वहाँ पर रह सकते हैं, जब मंदिर में भी आप जागृत कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे तक भी आप ये दिया रोशन कर सकते हैं। अंधेरी रात में ही आपने इस दिए को रोशन करना है, और दिया रोशन करने के बाद फिर आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, उस फोटो की तरफ देखते हुए, उस दिए की तरफ देखते हुए, और अपने प्यार को अपनी आँखों में अपने हृदय में बसाने के बाद फिर आपने इस शक्तिशाली शावर मंत्र का आपने जाप करना है। मन को मोहे, तन को मोहे, दिल के हमराही को मोहे, चलते फिरते राही को मोहे, मोहे मोहिनी तेरा नाम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता श्याम कुर मोहिनी तेरे शब्द का तमाशा। मन को मोहे, तन को मोहे, दिल के हमराही को मोहे, चलते फिरते राही को मोहे, मोहे मोहिनी तेरा नाम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता श्याम कुर मोहिनी तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का जाप आपने 21 बार करना है। 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद उससे जब अगली सवेर हो जाएगी, सोमवार का जब दिन आ जाएगा, तो आपने वह जो दिया है वहां से उसको उठा लेना है, और जो वह फोटो है जो इसमें आपने सिंदूर डाला है, जो दिए में सिंदूर डाला है, उस दिए में से सिंदूर निकालने के बाद उस फोटो के ऊपर आपने अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद वह जो फोटो है किसी भी प्लास्टिक के कागज में आप उसको बांध कर आप अपने बेड के नीचे आप रख ले, जहाँ पर भी आप विश्राम करते हैं, तो आपका जो प्यार है आपके नीचे लगकर चलेगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आपके बिन वह रह नहीं पाएगा, यही शक्ति है। और उस फोटो को आपने अपने तकिए के नीचे जहाँ पर आप विश्राम करते हैं उस आसन के नीचे रख कर विश्राम करते रहना है। उसके बाद और कुछ भी नहीं आपने करना। तो आप एक बार इसका प्रयोग कर देखें, तो जिसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो वह व्यक्ति जिंदगी भर के लिए आपका दीवाना बनकर रह जाएगा। तो यह था साधना और समाधान चैनल के माध्यम से वशीकरण करने वाली विधि फोटो के द्वारा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।